ऊपर यदि रखना हो तो टंकी लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन टंकी का पानी कब तक आता है? जब तक जितना तुमने संचय कर रखा है उतना ही आता है। टंकी का पानी जिंदगी भर नहीं चल पाता है, पानी चलता है तो कुएं का पानी चलता है, क्योंकि कुएं का पानी अपना है। कुएं का स्रोत सागर से, समुद्र से, जमीन से है, क्योंकि पानी ही जब भाप बनता है तो ऊपर उठ जाता है, और भाप ही गर्मी के बाद बरसात के रूप में जमीन पर आती है, फिर भाप बन जाती है। यही हमारा चक्र चल रहा है। लेकिन कोई कोई बुद्धिमान होते हैं, बारिश के पानी को बांध में रोक कर बिजली भी बना देते हैं और जीवन भी चला देते हैं। लेकिन बांधने की कला नहीं आती हो पानी को, तो बाढ़ के रूप में जीवन भी ले लेता तुम। अभी सुना होगा कि कई जगह बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, बहुत परेशान है, लेकिन अपन है कि पानी के लिए तरस रहे। जब मिलता है तब एहसास नहीं होता है। तुम्हें भी वही है, तुम रोज पढ़ती हो, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी करो करो मोह स्वाधीन। आप एक लाइनें पढ़ते हैं पारसनाथ की स्तुत में, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। हमने कहा बड़ा ढीठ आदमी है, कहने लगे जग की दुख की तो परवाह नहीं है, तुम दुख से घबरा के चले गए, मैं जाने वाला नहीं हूँ, यहीं रहूंगा, और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं है तो पहले ही कह दो नहीं चाहे, क्योंकि स्वर्ग इन कामों से थोड़ी मिलते हैं जिन कामों को तुम कर रहे हो। सोचना भगवान राम की नाम की माला गए और काम राम के हो रहे हैं। आप कहोगे माता जी हम तो कभी नहीं करते हैं, विचार करोगे तो पता चलेगा कि काम क्या कर रहे हो। जीवन में परमात्मा जुबान पर है और जीवन में काम वासना अंतरंग में है। काम वासना के ही बीज डाले, चाहे वो मंदिर भी तुम आते हो तो सच बताना मंदिर परमात्मा को पाने नहीं आते हो। घर मकान दुकान सब ठीक हो जाए इसलिए आते हो, पर मैं कहती हूँ ये सब तो यही रहेगा, तुम बेकार होकर चले जाओगे तो क्या होगा। अभी एक लाइन है, आप लोग पूजा में पढ़ रहे थे आज ही, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोच कर देखना, तुम सोचते सोचते मर जाओगे क्या। हमारे पास लोग आते माता जी कौन सा स्वाध्याय करें, हमने कि अपना स्वाध्याय करो। बोले अपना कैसे होगा, हमने कि क्यों, तुम इसके लिए आए थे क्या जो काम कर रहे हो। मात गर्भ में कॉल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। वही हाल होता है सागर में, तूफान आया था, नाव डूबने वाली थी, सब परमात्मा का नाम लेने लगे, जैसे ही नाव किनारे पर आई परमात्मा गया अपनी जगह, सबने अपने सूटकेस अटैची उठाई और उतरने की तैयारी करने लगे। फिर परमात्मा परमात्मा कहाँ याद आता है। जब मरने का समय आता है तो लोग कहते भगवान का नाम सुना दो, हमने कहा सुनना ही बंद हो गया, आपका सुनाई पड़ेगा। बोले इन्हें भगवान की शांति धारा दिखा दो, हमने कहा जीवन भर शांति में रहे होते, धारा बहाई होती तो अंतिम की शांति धारा इनके काम आ जाती। इनका जीवन जीवन भर शांत नहीं रहा, जीवन भर हुकूमत की तरह तानाशाही की तरह बंदूक ताने रहे। जुबान से तानो या हाथ से तानो बराबर होती है। आप लोग विचार करके देखना, जो बात अच्छे से कह सकते हो वो भी तुम नाराजगी से कहते हो। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस कर कहा होता। काणे से काणा कहो तो जे है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। हम लोग कहते हैं कि भगवान अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, कोई तुम्हें जरा सी टेढ़ी नजर से तो देख ले तो कहने लगे अब आगे तो आ जाएगी तो मैं तो बोलूं नहीं, मेरे को क्या पड़ी।
अरे विचार करके देखना, जिस जीव से तुम द्वेष कर रहे हो और जिनको तुम मान रहे हो, आपको पता 3 बार साधु 4 बार प्रतिक्रमण करते हैं। खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में, मैंने जगने में, सोने में, चलने में, फिरने में, करवट लेने में, खांसने में, जमाई लेने में किसी प्रकार से किसी जीव की विघात हो गया हो, उसे तकलीफ हुई हो तो मुझे क्षमा करना। लेकिन तुम एक पड़ोसी को घर में जिसके साथ जिंदगी भर रहना है उसके साथ भी ऐसे जीते हो जैसे आतंकी जी रहा हो कि मारने की, कब किसको चोट लगाने की आपको मौका मिले आप लगाने से चूकते नहीं हो। चाहे बातों से लगाओ, चाहे व्यंगों से लगाओ, चाहे अहंकार से लगाओ, चाहे खाने से लगाओ, चाहे पहनने से लगाओ, तुम्हारे सारे आयोजन चोट के। क्योंकि अब जरूरत नहीं पड़ती किसी को जलाने के लिए तिल्ली और माचिस की, अब तो एक दूसरे ही काफी है जलाने के लिए। समझ गए आप, सारा काम आपका जलाने के लिए है। क्योंकि एक महिला आई और बोली, माता जी यदि कर्म बंद नहीं हो तो मैं क्या करूं। मैंने कही आग लग जाए तेरे घर में तो तू क्या करती है। तो कहने लगी पानी लगा के बुझाएंगे। तो मैंने कहा यहाँ काय को बैठ पूछ रही है कि कैसे कर्म बंद नहीं हो। अरे ये सोच लो कि मेरे मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से भी क्या हो, किसी को कष्ट नहीं हो, हमारे मन में भी किसी के प्रति ये भावना नहीं आए। अभी तो आप रोज पढ़ लेते, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे, पड़ोसी का मकान बड़ा बन जाए, बताओ तुम सुखी रहोगे। तुम उसके यहाँ बधाई देने जाओगे, बधाई हो बढ़िया मकान बनाओ, लेकिन अंदर से क्या कतरनी चलेगी। कोई कहे भी कि खूब अच्छा मकान बन गया, अरे बन गया, 2 नंबर की कमाई से बन गया। हमसे पूछो, हम तो करते नहीं है, हम तो 2 नंबर का काम करते ही नहीं, चाहे झोंपड़ी में रह लेंगे। अरे तुम्हारी अहंकार और जलन ईर्ष्या बोल रही है। तुम पुण्य की प्रभावना करते हो, तुम पुण्य की प्रशंसा कर सकते हो क्या। कोई त्यागी भी दिख जाए, कहने लगे भैया बहुत उपास करते हैं, तो तुम्हारे अंदर तुरंत हलचल मच जाती है, आग लग जाती है। जब तक तुम निंदा का पानी नहीं डाल दो तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ती। तुरंत कहती अरे एक बार में 10 रोटी खा रहे तो क्या हो गई, उपास कर लिया था। दान दे रहे तो तुरंत तुम्हारा मन बोलता है दान दे रहे तो क्या हुआ, बेईमानी का आ रहा तो दे दे रहे तो क्या हो गया। मैंने सोच कर देखना, तुम रोज बोलते हो कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। आप किसी के घर की प्रशंसा देखकर, लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि, हमने कही सच बताना, अपनी हालत देखना, अपनी जीवन की डायरी के पन्ने पलटना कि जमाई चाहता हो तो क्या भाव होता है, जमाई तुम्हारी बेटी को खूब चाहता हो तो कहने लगे हमारी बेटी ने मोती दान किए होंगे, पुण्य किया होगा, जमाई क्या है लाखों में एक है। ऐसा जमाई तो भगवान किसी किसी को मिलता है जो बेटी की एक बात नहीं जाने देता है और बेटा बहू को चाहने लगे तो आग लग जाती है। कहने लगी क्या पता इसके मायके में कुछ होता होगा, करा फरा दिया होगा, जब से आई है तब से मुट्ठी में कर रखा है। अरे वो बाजार से थोड़ी आई है, तुम लेकर आए थे। और यदि बेटे का दाम्पत्य जीवन खुशी है तो तुम खुशी मनाओ। आप लोग बोलते क्या करें सामने वाला खराब है, हमने कहा तुम अपने आभा मंडल को बदलो, तुम अपने आभा मंडल को बदलो, सामने वाला बदल जाएगा। तुम कैसे सम्यक दृष्टि जीव हो। आपको पता है बेटी हंसती हो, लड़ाई करती हो तो भी कोई कह ले कि क्यों तुम्हारी बेटी लड़ती है, बोले नहीं नहीं हंसने की तेज आवाज आती है बाहर, आती है ना। यदि अपनी बेटी मोटी हो जाए और कोई पूछे कि अच्छी लगने लगी तुम्हारी बेटी, कहने काय की अच्छी लगने लगी, बादी चढ़ गई उसको तो। और बहू यदि बादी भी चढ़ जाए और कहने लगे लग रहा है सूजन आने लगी, कहने लगी काय की सूजन आने लगी, खा खा के मोटी हो गई। सच बताना ये सब जीवन में तुम्हारे है कि नहीं, तुम्हारी समान दृष्टि है क्या। जो पर पीड़ा को अपना करना इनका नीर बनते हैं,
कुछ ही है जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। एक ही धर्म की शुरुआत है कि वास्तव में जो तुम पढ़ते हो तो इतना अच्छा हो, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबड़ावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। सच बताना, सुबह से अखबार में फिर क्या देखते हो? अखबार में क्या देखते हो? कोई प्रवचन सुनते हो क्या माता जी महाराज जी का? यदि 2-4-10 मर्डर की खबर नहीं हो, अत्याचार, आप समझ गए, गंदे गंदे कामों की खबरें नहीं हो तो क्या कहते हो कि कोई मजा है? कुछ खास समाचार नहीं है ना खास। तुम इसी के लिए बैठे हो कि 2-4 मर जाए तो तुम्हें खुराक मिल जाए? तुम इतने हिंसक व्यक्ति हो, इतने पापी व्यक्ति हो कि 2-4 के मरे नहीं तो तुम्हें खबर में मजा ही नहीं आता। सच बताना, कहीं लड़ाई हो रही हो तुम बड़े शौक से देखते हो, और लड़ाई शांत हो जाए तो तुम्हारा मन उदास हो जाता है, कहने कुछ नहीं हुआ। जब तक खूब लड़ाई हो, खूब मारा पिट्टी हो जाए, तब तक तुम्हारी आंखें ऐसी गड़ी रहेंगी जितनी भगवान पर भी नहीं गड़ी रहती। और फिर कहते हो निरखो अंग अंग जिनवर के जासे जल के शांति अपार। तुम्हारी शांति हो रही, विश्व दुए दो, उस समय कोई हिंसाएं नहीं हुई, कोई आतंक नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं हुआ, लोग बल्कि स्वस्थ रहे, बीमार तक नहीं पड़े। आप सोच सकते हो आदमी का मर्ज कैसा है? आदमी का मर्ज ऐसा है कि वो चाहता ही है कुछ हो तो उत्सुकता बनी रहे, बिल्कुल जागरूक बना रहे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी जैसी प्रीति घराम से और ऐसी घरी से होए, चले जाओ बैकुंठ में, पला न पकड़े कोई। आप लोग किसी देखने भी जाते हो तो फूल का गुलदस्ता ले जाते हो, बीमार को देखने जाते हो तो फूल का गुलदस्ता। वो बेचारा फूल को क्या करेगा? बिछाएगा, खाएगा, पहनेगा, क्या करेगा? किसी काम का है? और फूल का गुलदस्ता भी किराए का बाजार से ले जाते हो, खरीद के ले जाते हो। इससे अच्छा फल का टोकरा ले जाओ तो बीमारी को खाने, बीमार आदमी के काम में तो आएगा। लेकिन तो मैं सोचती हूँ आदमी दोहरा आदमी है। आपको पता है आदमी इतना दोहरा जीवन जीता है, कहना नहीं चाहिए। आपको पता है आपके घर पे कोई आता है तो कुत्ता भौंकता भी और पूछ भी लाता है। यदि मालिक का अपना हो तो पूछ काम आ जाएगी, और यदि दुश्मन हो तो भौंकना काम आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कहीं पूछ हिलाना भी चाहिए, कहीं भौंकना भी चाहिए। एक सेठ ने कुत्ता पाल रखा था, एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन सेठ के यहाँ बिल्ली रात में रो रही थी, सेठ ने उसको पीट दिया। दूसरे दिन सेठ के घर चोरी हो गई और सेठ ने कुत्ते को सुबह पीटा। तू क्यों नहीं बोला? कुत्ता बोला ये बोली इसलिए पिटी। सेठ बोला ये बोली इसलिए पिटी, तू नहीं बोला इसलिए पिटा। समझ गए, धर्म के काम, अध्यात्म के काम, आत्म उन्नति के काम में यदि तुम्हारा मन नहीं लगा, जागृत नहीं रहे तो पिटोगे, और फालतू बातें करोगे तो भी। यदि वहां मौन रहे तो पिटोगे, कर्मों का दंड पड़ेगा, और यहां फालतू बकवास की। सच बताना, क्या क्या धर्म चर्चा करती हैं महिलाएं जब मिलती हैं तो? मेरे घर पर ऐसी है, वो ऐसा है, वो ये काम नहीं करता, वो सुनता नहीं, यही सब चर्चाएं होती हैं। जो हमारे आचार्यों ने जिन कथा की मनाई की है वही कथा करते हैं लोग। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, समझ गए, चोर कथा। आजकल इस पे यही स्कीम चल रही है। पहले महिलाएं यदि कभी बाजार गई या तो पुरुष गए तो यदि सोचते थे कि 2 दिन की कोई सामान है तो 2 दिन का फालतू नहीं ला, 2 दिन बाद आ जाएगा। आजकल तो मॉल में जाओ वो तुम्हारा दिमाग पहचानते हैं, एक डलिया ट्रॉली देते हैं और एक सर्वेंट साथ में भेजते हैं, तुम जो पसंद करो वही तुम्हारी डलिया में ऐसे डाल लेती हूँ जैसे फ्री में आ रहे हो। जब काउंटर पर आओ और पेमेंट करना पड़ता था, वह कल ठिकाने आती है। लेकिन वहां भी इज्जत का सवाल है, तुम वापस कैसे करो? आधा सामान तो तुम लोग वैसे ही ले आती हो, और उसके बाद कहती हो हमारे जुआ का त्याग है। स्कीम चल रही है, जुआ नहीं है तो क्या है? एक के साथ एक फ्री, ये भी तो जुआ ही है। और हम इतनी छोटे दिल के हो गए, यदि कहीं जैनी की दुकान पर 2 पैसे भी ज्यादा मिलेगा, और आप समझ गए, हिंसक
मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनकी दुकान पर यदि आपको दो पैसे कम मिलेगा तो आप उसकी दुकान पर चले जाओगे। आप ये विचार नहीं करते हो कि ये पैसा मेरा कहाँ जाएगा, किस काम में लगेगा। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती हैं। लेकिन आप लोग हमारे ऑनलाइन के कारण आज हमारे कई व्यापारी बिल्कुल दुकानें बंद हो गई, लेकिन हम सोचते नहीं। हम तो कहते हैं एक एक ईंट देंगे तो हम अपने बंधुओं के मकान बनवा देंगे, एक एक रोटी देंगे तो उनका जीवन यापन करा देंगे। क्योंकि कहते हैं जिसे जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है। इतना ही काम कर लेना, क्योंकि आपको पता है यदि आप दूसरे से ये कह दो हमने सुना नहीं आपने क्या कहा, उसे मजा ही नहीं आएगा। मजा कब आता है? जब दो आप कहो, चार वो कहे, चार वो कहे, आठ तुम कहो, तभी तो लड़ाई में मजा आता है। एक व्यक्ति मर रहा था, उसने अपने बच्चे को बुलाया, तीन चार बेटे थे, तीन को पता था कि बाप महा बेकार आदमी है, खराब ही बात कहेगा। आपको पता जब भी कोई मर जाता है लोग कहते हैं एक बार बोल जाओ। हमने कि क्या बोल जाएगा, 70-80 साल में कुछ अच्छी बातें नहीं बोल गया। अब एक आध बार बोलेगा तो क्या भली बातें बोलेगा? वही बातें तो बोलेगा, क्या बोलेगा? अच्छी बातें कुछ नहीं बोलने वाला, बोलना होता तो पहले ही नहीं बोल लेता। तो उस बेटे ने भी तीन बेटे को बुलाया, तीन बाप ने तीन बेटों को बुलाया, तीनों नहीं आए। चौथे बेटे से कहा बेटा एक बात तो सुन ले, मैं तो मर ही रहा हूँ। उनने कि क्या? तो कहने लगे बेटा मैं मर जाऊँ ना तो मेरे लाश के टुकड़े करके मोहल्ले में पांच लोग हैं पांचों के घर पर एक एक टुकड़ा फेंकवा देना और फिर पुलिस में खबर कर देना, मैं स्वर्ग जाऊंगा और ये लोग हवाला जाएंगे, मेरी आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी। आप बताना ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? और वो क्या कह रहा है, मैं विमान में बैठकर स्वर्ग जाऊंगा और ये गाड़ी में बैठकर हवाला जाएंगे, मेरी आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी। आप लोग भी आज से ही अपने घर के घर को मंदिर बनाओ। इस मंदिर में आप पूरे टाइम नहीं रह सकते हो, लेकिन मन को मंदिर बनाओ। मन मंदिर बन जाएगा तो तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएगा। आप रोज पढ़ते हो जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुच जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इतनी बड़ी बात पढ़ते हो कि लगता तुम्हारे अंदर समय सार घटित हो गया। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। महंगे जीवन को तुमने 5 मिनट भी दिए हैं? कभी सोच कर देखा करो। लोग कहते माता जी समय में क्या चिंतन करें, हमने कही सोचना यदि 50 के हो गए हो तो 50 साल मौत के करीब पहुंच गए हो। अब मौत आने वाली ही है, लाइन लंबी है, सबके नंबर आ रहे हैं और तुम धीरे धीरे लाइन में क्यों में आगे ही पहुंच रहे हो। लेकिन कभी ऐसा भाव आता है क्या कि मेरे 50 साल गुजर गए इस तन को सुंदर बनाते बनाते, लेकिन तन सुंदर नहीं होता है। कहीं से कहीं ना कहीं से कितनी बार ब्यूटी पार्लर जाओ, फेसियल कराओ, लेकिन कहीं ना कहीं से बुढ़ापा अपनी झलक मार ही जाता है। कहीं ना कहीं से आपको देह शिथिल हो जाती है, कितने भी टॉनिक खाओ, लेकिन एक बार परमात्मा के दरबार में दिल से आओ तो तुम्हें ये जीवन भी तुम्हारा शक्तिमान होता है और एक दिन अनंत शक्ति भी तुम्हें प्राप्त होती है। ऐसे भी रियांतराय कर्म का क्षयोपशम तुम्हें प्राप्त होता है। आपको पता है कि कोई आज की तारीख में भी एक एक किलो दूध पी लेता है, कोई छटाक भर भी दूध नहीं पी पाता गए। हमारे बुजुर्ग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे। हमारे बुजुर्गों की हालत ये थी, सिंगल रोटी खाते थे, 40 किलोमीटर जाने की हिम्मत रखते थे और चले भी जाते थे। 100 किलो तक का वजन उठा लेते थे। अब तुम 100 ग्राम उठाने में हालत खराब हो जाती है। तुम 2 घंटे इंतजार कर सकती हो गाड़ी का, लेकिन 2 किलोमीटर नहीं जा सकती हो। और जबकि तुम डबल रोटी खा रहे हो। पहले के लोग सिंगल रोटी खाते थे, क्योंकि वो रोटी भी आत्मीयता से बनी होती थी। आज सब महिलाएं एक नियम ले लें
कि भोजन बनाते समय बिल्कुल कसाय भाव नहीं रखेंगे। इतने हमारे अंदर अहंकार के भाव में रोज कहते हैं अहंकार का भाव न रखो, तुम्हारी जवान की जवान से यदि तुम रोज पानी पानी कहो तो प्यास बुझ जाएगी क्या? यदि तुम रोज किताबों में पानी के फार्मूले पढ़ो और पानी की बढ़िया कहाँ झरना है, कौन सा झरना है, कितना बहता है, कितना जलप्रपात होता है ये पढ़ो तो क्या तुम्हारे जीवन में प्यास बुझ जाएगी? फिर तुम ये शास्त्रों की बातें पढ़कर जीवन में परिवर्तन कैसे हो जाएगा? शास्त्र प्रेम मील के पत्थर हैं, तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन कदम तो तुम्हें ही बढ़ाना होगा। हम वास्तव में अपने सुख में किसी के देखना, कोई मर जाएगा तो और तुम संवेदना व्यक्त करने जाते तो भी तुम्हें रसधार सी बह रही होती है और तू कैसे करेगी? कोई के मरने में जाओगे बोले फलानी आई थी कि नहीं, बोले नहीं आई थी, बोले तू भी मत जाइयो। आप समझ गए, तू भी मत जाइयो, वहां भी तुम जहर घोल के आ रही हो। किसी की मौत ने तुम्हें इतनी शिक्षा नहीं दी है? अरे आज उनको मानने वाले को जिनने एक मौत देखी थी, और सच पूछो इतना विशाल प्रथम तीर्थंकर, इतना विशाल कैसा राज्य को छोड़कर चले गए। तुम एक अपने छोटे से चार दीवारी के मकान को छोड़ के नहीं जा सकते, जबकि मकान तुम्हारा नहीं है। रजिस्ट्री हंसती होगी कि पागल तू मुझे अपना समझ रहा, मैं सुरक्षित रहूंगी तू असुरक्षित है, मैं रहूंगी तू चला जाएगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा, तेरे साइन होते थे वो किसी और के हो जाएंगे। जिसे तू अपना घर बना रहा था ये किसी और का घर हो जाएगा। जमीनें कभी कहती हैं क्या हम तुम्हारे हैं? तुम ही कहती हो ये जमीन भी हमारी है। मैं ये नहीं कहती कि तुम जमीन को मत कहो, लेकिन एक दिन उस जमीन की भी तलाश करो जिसे कि परमात्मा ने पाया है। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहां तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। हमें उसी जगह जाना है, क्योंकि सात दिन के लिए सबको राज्य मिला है। एक राजा की मौत हो गई, राजा के बच्चा नहीं था, कभी चिंता मत करना, जिनके बच्चा होता वो कहते एक बच्चा होता। हमने कि क्यों? बोले नाम चला था। हमने कि नाम माम तो चलाए नहीं, चलाए तुम्हारी एक आकांक्षा है कि मेरे ही परमाणु उनमें उस बच्चे में है, मैं जो काम नहीं कर पाया वो दूसरा काम करे। एक व्यक्ति का बच्चा मर गया, मेरे पास आया, बोले माता जी ये बताओ कि वो बच्चा कहाँ गया होगा। फिर इतने सारे पत्र लेकर आया, ये सांसद का, ये विधायक का, ये इसका, ये इसका। हमने कि इतनी चिट्ठियां लिए काहे को फिर रहा, बच्चा तो मर गया, ये बता तुझे चिट्ठियों में रस है कि बच्चे का दुख है? बोले नहीं मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतने लोगों की चिट्ठी आई। हमने कि चिट्ठी आई बच्चा थोड़ी आया, चिट्ठी आई बच्चा नहीं आया। फिर बोला कि माता जी ये बताओ कि कुछ लोग कह रहे थे मेरा बेटा भूत हुआ, भूत तो नहीं हो सकता ना? हमने कहा नहीं भूत नहीं हो सकता, तेरा बेटा है तू खुद ही भूत है, तू खुद ही भूत है। उसकी चिट्ठी आई, उसका ऐसा हुआ, सारे पोथी पन्ने लेके घूम रहा है, कहाँ से भूत होगा, तू खुद जीते जी भूत हो रहा है कि ये आया वो आया ये इसका। ध्यान रखना, हम मरने के बाद भी मैं कर नहीं भूल पाते हैं कि मेरा बच्चा इसलिए भूत नहीं हो सकता है। उस राजा के भी कोई बेटा नहीं था, जो राजा मर गया था लोगों ने सोचा अब कैसे करें, सभी दावेदार, आपको पता कोई बड़ा आदमी तो कहता मेरा बेटा था, मेरा भतीजा था, मेरा चाचा था, सब लोग ऐसे कहते ना, कोई बड़ा आदमी हो तो नहीं रिश्ते हो तो भी रिश्ते बना लेते हैं, और यदि गरीब हो तो रस्ते हो तो भी तोड़ देते हैं। हमारा आना जाना नहीं, हम उनसे नहीं बोलते, वो हमारे स्तर के नहीं है। अरे तुम्हारा क्या स्तर नहीं है? एक इंद्रिय जीव का भी घात नहीं करना, क्योंकि वो भी सिद्ध हो जाएंगे। तो क्या जवाब दोगे कि तुमने सिद्धों की हत्या करके आए हो? सिर्फ इतना सा परिणाम कर लेना, बाकी हमारे श्वास लेने से भी हत्या तो होती है जीवों की, क्या बचाओगे? श्वास लेने से, खाने से, चलने से, फिरने से, सब जीवों की हत्या होती है हमसे। लेकिन ध्यान रखना, राजा के मरने के बाद सब लोग लड़ने लगे, मंत्रियों ने कहा कैसे करें, किसको राजा बनाएं?
तो एक वृद्ध मंत्री था, बूढ़ा मंत्री था, बोले मैं बताता हूँ उस रास्ते से बिल्कुल साफ रास्ता हो जाएगा, फिर अपन जिसको चाहेंगे बना लेंगे। बोले क्या रास्ता? बोले एक शर्त रखो कि 7 दिन को राज्य मिलेगा, 8वें दिन राज्य से निष्कासित होना पड़ेगा और काली पानी की सजा मिलेगी, जहाँ से लौट कर आने की सुविधा भी नहीं रहेगी और बिल्कुल खाली हाथ जाना पड़ेगा। अब आपको पता, आप लोगों का भी तो वही हाल है कि आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा, लेकिन लगता है इतने सारे लोग जा रहे हैं तो इतने बेवकूफ तो नहीं है, इतने जा रहे हैं तो कुछ राज होगा, कुछ होगा, तभी तो इतने लोग जा रहे हैं। तुम भीड़ के पीछे भेड़ हो जाते हो, भीड़ बड़ी गद्दार होती है, जन्म के समय तालियां बजाती है, थालियां बजाती है, बारात के समय बैंड बजाती है, और मरते हो तो तुम्हें आगे कर देती, खुद पीछे हो जाती है, लेकिन भीड़ तुम्हें जीवन भर भेड़ बनाकर छोड़ती है। तो उसका भी हाल ऐसा ही हुआ, सब लोग कहने लगे हम लेके तो देखो, जो होगा सो देखा जाएगा। वहां तो लंबी लाइन लग गई, सब लोग 7 दिन को राज्य मिलता, 8वें दिन खूब रोते, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक अजीब आश्चर्य हो गया, एक व्यक्ति 8वां दिन था लेकिन वो रोया नहीं। लोगों ने उससे पूछा कि तुम होश में हो कि नहीं, बोला होश में हूँ। बोले फिर रो क्यों नहीं रहे हो? बोले रोने की जरूरत ही नहीं। लोगों ने कहा ज्यादा सदमा लग गया क्या, तुम रो नहीं रहे? उसने कहीं सदमे की बात नहीं है। तो लोगों ने कहा आज तुम्हें काले पानी की सजा दी जाएगी, तुम्हें पता नहीं है? उसने कही मुझे 7 दिन भी पता था, मुझे 7 दिन भी पता था। लोगों ने कहा सब रोते थे? उसने कहा जो 7 दिन भूल जाते थे कि 8वें दिन जाना होगा वो रोते थे, मुझे 7ों दिन ख्याल था कि मुझे 8वें दिन जाना है, इसलिए मैंने सत्ता का सदुपयोग किया है, आज मुझे जाने का गम नहीं है। लोगों ने कहा क्या किया है? कहने लगे मैंने उस काले पानी समुद्र के उस पार जहाज भेजकर 7 दिन में इस राज्य सत्ता की संपत्ति वहां भेजकर अपने लिए एक सुंदर मकान बनवाया है, और मैंने अपने परिवार भेज दिया है, अब जाकर मैं तमाम जिंदगी अमन चैन से रह सकूंगा, कोई व्यवधान नहीं होगा। आप ध्यान रखना इस जिंदगी में भी जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तपस्वी है, वो 7 दिन के राज्य में, आप कहोगे 7 दिन का, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इन 7 दिन में सबको जाना होगा। तिथि कहते हैं इति सबकी निश्चित है, सिर्फ तिथि में थोड़ा अंतर हो सकता है, कोई महीना हो कोई तारीख हो, लेकिन जाना निश्चित है। धन मिले, दौलत मिले, परिवार मिले, बच्चे मिले, पैसा मिले, प्रतिष्ठा मिले, परिवार मिले, क्या पता क्या मिले या नहीं मिले, मौत बड़ी वफादार है, एक बार मिल जाए तो साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए कहती हूँ कि जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी, और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी, मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। आप ध्यान रखना ज्ञानी इसी 7 दिन के जीवन में वो शांत परिणाम, प्रेम करुणा और वात्सल्य माध्यस्थता, ये सब गुण लाता है, प्रसन्न संवेग अनुकंपा और आस्तिक लाता है, 25 दोषों से रहित होकर अपने निज धाम में जाता है, और एक दिन इंद्र आदि पदों में भी लिप्त नहीं होता, वहां भी भावना आता है कि वो दिन कब आए जब आत्मा में लीन हो जाऊं, निज में ही निज में लीन हो जाऊं। तो आप सबसे यही कहूंगी कि घर में रहो, नाव में पानी आए तो खतरा, पानी में नाव रहे तो कोई खतरा नहीं, तुम संसार में रहो कोई दिक्कत नहीं, संसार तुम्हारे अंदर नहीं आए, तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जाए कि सब हमारे हैं, हम सबके हैं, कौन सा ऐसा जीव है, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो हमारा मित्र या शत्रु नहीं हुआ। आप कहते सुख दुख में लोग आघात कर लेते, दुख में अटैक आ जाता, हमने कहा सुख में भी अटैक आ जाता है। एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब था, एक दिन उसकी लॉटरी लग गई, 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, तो एक व्यक्ति के पास गई और कहने लगी मेरा पति 1 लाख रुपया, कभी उसके पास 10 रुपए भी नहीं रहते, आज 1 लाख रुपए मिलेंगे।
वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो बीच वाले ने कहा कि ऐसा करना, मैं तुम्हारे पति को समझाऊंगा, लेकिन वो उसे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ताकि वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन ऐसा करना आधा मुझे देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, पति बच जाए आधा तुम्हें दे दूंगी। तो उसने उसके पति से कहा कि 25,000 रुपये तुम्हें मिले हैं। तो वो बोला ठीक है 25 मिले हैं तो 12.5 तुम्हें दे दूंगा, 12.5 मैं रख लूँगा। और पता चला जो कह रहा था कि धीरे धीरे बर्दाश्त कर पाएगा, उससे अटैक पड़ गया और मर गया। जो कह रहा था कि मुझे आधे देना, वो आधे लेने के पहले मर गया। आप भी ध्यान रखना, आप जो तसल्ली दूसरों को देते हो वो स्वयं में भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। सुख भी अति होने पर दुख हो जाता है। एक सब्जी रोज खाओ दुखी हो जाओगे, समझ गए? लेकिन दुख भी ज्यादा दिन रहे तो आदत सी पड़ जाती है। तुम्हें भी उसी दुख की आदत पड़ गई है और सुख की आदत। सुख को कैसे, दुख को कैसे सुखी होने में, आपको पता है इतने हमारे उपसर केवली आदि हुए, क्या दुख की अति थी, लेकिन उसको दुख को भी सुख में बनाने की कीमिया उनके पास थी। तो हम कहते हैं कि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं और हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हम भारत के लोग तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। आप लोग अपनी पत्थर सी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सिद्धों की श्रेणी में तुम्हारा नाम भी आए, इसलिए सिद्धों की आराधना कर रहे हो। जिससे मिलना हो उसको मिलने की तैयारी करना पड़ती है, जिससे मिलना हो उसके लिए योग घर बनाना पड़ता है, उसके योग साफ सुथरा अच्छा प्रबंध करना पड़ता है। तो तुम अपने मन को परमात्मा को बुलाने के लिए और परमात्मा से रिश्ता बनाने के लिए जितने दुर्गुण हैं, जो बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती हैं, वो दूसरों से भी मत कहा करो। तो यही जीवन का सार है। अपने समय का एक क्षण भी कसाई और पापों में मत जाने दो। यही जीवन का सार है, यही सिद्ध बनने का पता है। इन्हीं सुभावनाओं के साथ आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन अच्छे कब बनोगे आपको पता है? आप सबसे रिश्ता निभाते हो, साधु को भी एक परम रिश्तेदार समझ लेना। क्योंकि जब जब कष्ट आए, जब जब कोई भ्रमित हुआ, रामचंद्र जी जब भूले लक्ष्मण की लाश लिए फिरे, तो आपको पता है कौन आया? हाँ, जिससे उन्होंने ये कहा था मैं भूल जाऊं तो तू मुझे जगाने जागृत करने आ जाना। और बलदाऊ जब कृष्ण की लाश लिए फिरे तो सिद्धार्थ नाम का सारथी आया। और मणिकेतु, आप सगर चक्रवर्ती भूल गए तो मणिकेतु नाम का मित्र उन्हें संबोधन करने के लिए आया। आपने कितने धर्मात्माओं को अपना रिश्तेदार बना लिया, कितने धर्मियों से आपने रिश्ता जोड़ लिया, आज हिसाब करना। शेष बातें कल कहूंगी, क्योंकि जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास रचा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। और जब तक सांस नहीं रुक जाए देव सास गुरु से प्रीत जगा लो, देव सास गुरु से प्रीत जगा लो। बोलिए आदिनाथ भगवान की।